हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, डेट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को भी चार स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट, देन दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा है सुपर प्रॉफिट। इसको याद करने का सबसे इजी फॉर्म है कि आप ईच प्रॉफिट का फर्स्ट लेटर लें और उसको आपस में कंबाइंड करें, जिससे वो बनता है आंसर, जहां पर ए का मतलब है एवरेज प्रॉफिट, एन का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट एंड एस का मतलब है सुपर प्रॉफिट। जब भी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज कर रहा हो तो आपको आंसर कैलकुलेट करना है। आंसर कैलकुलेट करने के बाद आपको फोर्थ स्टेप लगाना है, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपके टोटल चार स्टेप्स हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक एक करके सारे स्टेप समझते हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए पहला स्टेप है कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको ये दोनों सीखना है तो इस चैप्टर का आप पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन किया है। देन स्टेप नंबर 2 है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, आपने क्लास 11 में बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, जिसका फॉर्मेट ये है लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। एसेट साइड में आप दो एसेट लिखते थे, फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकेंड इज करंट एसेट्स। देन लायबिलिटी साइड में आप लिखते थे नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रिजर्व्स। यहां पर फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स के टोटल को कहते हैं टोटल एसेट्स, एंड नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी ये टोटल को कहेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। अगर आप टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस करते हैं तो बैलेंस फिगर में जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका कैपिटल एंड रिजर्व, जिसे कंबाइंड में कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां आप इसको और इजी वे में याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आंसर बताया था, अगर आंसर के बीच में आप गैप दे दें तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस एन इज इक्वल टू एस। यहां ए का मतलब है एवरेज प्रॉफिट, लेस करना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट, जिससे इक्वल करके आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। देन फोर्थ स्टेप इज गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां आपके चार स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एज फॉलोज। आपको 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसने फर्स्ट ईयर का 7,000, सेकेंड ईयर का 6,500, थर्ड ईयर का 8,000, फोर्थ ईयर का 7,500 एंड फिफ्थ ईयर का 6,000। फर्दर आपको क्या रखा है, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 40,000 एंड अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन द मार्केट इज 12%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आप इसे देख सकते हैं। देन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि एवरेज सुपर प्रॉफिट, इसका मतलब है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड।
जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा जाए तो आपको एक वर्ड अच्छे से याद रखना है, जो है आंसर, कि आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो आंसर का सबसे पहला वर्ड है ए, तो सबसे पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे, जिसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लिखेंगे 7000 प्लस 6500 प्लस 8000 प्लस 7500 प्लस 6000, जिससे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 35000। देन आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ टोटल प्रॉफिट है 35000, नंबर ऑफ ईयर्स है 5, जिससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 7000। देन सेकंड वर्ड निकालना है आपको, दैट इज एन, तो एन का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। हम जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं, एंड क्वेश्चन में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है ऑफ द फर्म, जो है 40000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 40000। इस 40000 को फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। क्वेश्चन में आपको रेट गिवन है 12%, तो 12 अपॉन 100, जिससे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 4800। देन आपको नेक्स्ट वर्ड कैलकुलेट करना है, जो है एस। तो थर्ड स्टेप है ये सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाला था, जो है 7000। 7000 में से लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो है 4800, जिससे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2200। देन आपका फोर्थ स्टेप है, दैट इज गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपने निकाल ही लिया है 2200, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो है 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपकी गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 6600। ये आपका आंसर है और आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस हीट, एंड डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।